गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम है आपका अपने चैनल PVR स्टडी पे। आ जाइए भाई फटाफट, सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को नमस्ते, सभी को सत श्री अकाल, सभी को सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? तैयारी कैसे चल रही है आपकी? आई होप कि सबका सब कुछ बेटर चल रहा होगा। आ जाइए भाई यूपी पुलिस वाले और CGL वाले, फटाफट जुड़ जाइए। चलिए ठीक है। लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे भाई? हमारे इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था। इंडोक्राइन सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने जो देखा भाई, हमारे यहाँ कितनी ग्लैंड्स हो गई है? आई होप कि 4 ग्लैंड्स हो चुकी है ना, 5 नंबर, आज 5th नंबर की है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 4 नंबर पे देखा था। क्या 4 नंबर की देख लिया था भाई? अभी तक मैं एक बार रिकैप कर दूं, आपको लिखते जा रहा हूं। देखो पहला हमने देखा था भाई, फर्स्ट नंबर पे हाइपोथैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और एक चीज़ और देखिएगा, मैं लिख भी रहा हूँ तो मुँह से बोल भी रहा हूँ, तो आप केयर क्या करेंगे मैंने मुँह से क्या बोला है। अगर जो यहाँ पर देख के लिखने का प्रयास किया, हो सकता है थोड़ा सा मिस्टेक कर जाए, फिलहाल मैं सही लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। दूसरा हमने क्या पढ़ा भाई? पिट्यूटरी पढ़ा हमने। दूसरा, थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा भाई? पीनियल पढ़ लिया। और फोर्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ लिया? थायराइड। तो अभी तक के लेक्चर में हम लोगों ने ये 4 ग्लैंड्स के स्टडी कर ली। टोटल हमें 9 पढ़ने हैं, 4 हम पढ़ चुके हैं। आज हम 5th नंबर पे आते हैं। 5th नंबर की हमारी ग्रंथि है जिसका नाम होता है पैराथायराइड, ठीक। 5वीं ग्लैंड जो है उसका नाम है पैराथायराइड, ठीक। तो ये सारी चीज़ जो है एक दूसरे से रिलेटेड, हम इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं और 5वीं ग्लैंड का नाम है पैराथायराइड। क्या काम होता है, कहाँ लोकेटेड होती है, कैसे कैसी स्ट्रक्चर होता है, कैसा साइज होता है, सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। प्लस इसमें से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है या रिलीज होता है, फिर उस हार्मोन्स का क्या काम होता है, फिर वह हार्मोन जो हमारी बॉडी के किस ऑर्गन को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पैराथायराइड हार्मोन्स को, पैराथायराइड ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। एक चीज़ और आप यहाँ देखेगा, पैराथायराइड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई, पैराथायराइड से आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, कहाँ पर लोकेशन होती है, कई चीज़ें होती है। हमने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था भाई लास्ट लेक्चर में? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड की अगर हम शेप की बात कर लें, शेप मतलब होता है मेरे भाइयों आकार, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे आकार, ठीक है। आकार की बात अगर हम कर लेंगे तो कुछ शेप इस टाइप का था, मुझे उम्मीद होगी कि क्या नाम है, मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको बना के। ये देखिए मैंने इस तरह का पिक्चर बनाया था, दिख रहा होगा मुझे लगता है सबको, कलर ये हमने बनाया था लास्ट टाइम में, ठीक। तो ये किसका आकार था भाई? ये इसको कहते हैं थायराइड ग्लैंड कहते हैं। यहां पर लोब लाइव स्ट्रक्चर रहेगा, एकदम लोब लाइव, ऐसे लोब लाइव स्ट्रक्चर रहेगा, लोब लाइव स्ट्रक्चर, ठीक। इसी को हम क्या नाम देते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड इसका नाम होता है, जो ये ग्रंथ होती है इसको ही कहते हैं पैरा थायराइड। चीजें क्लियर हुई? पैराथायराइड इसी को कहते हैं। मतलब क्या हुआ भाई मेरे, कि इसका सिंपल सी बात कर लीजिए, थायराइड ग्लैंड के पैरों में पाई जाने ग्रंथि को हम क्या कहते हैं? पैराथायराइड। पैराथायराइड नाम इसका क्यों दिया गया? क्योंकि ये थायराइड ग्लैंड के पैरों में पाई जाती है। और कैसी कैसा साइज होता है इसका, साइज कैसा होता है, अगर हम साइज के बारे में देख लें, साइज कैसा होगा इसका? साइज इसका होगा लोब लाइक साइज का मतलब क्या होता, कोई ऐसा चीज़ जो डम्बल की तरह हो, क्या नाम है, ओवल शेप का हो, गोलाकार ना, लोब लाइक उसको कहते हैं ना। तो ये कितनी होती हैं नंबरिंग अगर की बात कर लिया जाए तो टोटल्स कितनी होती हैं? 4 पेयर होती हैं। कितनी होती हैं? 4 पेयर, 4 पेयर पैराथायराइड, 4 पेयर होती हैं। चीज़ें क्लियर हुई? 4 पेयर ग्लैंड्स होती हैं पैराथायराइड। कहाँ पाई जाती हैं, लोकेशन की बात कर लें, अगर हम इसके लोकेशन की बात कर लें तो कहाँ होती है हमारे,
लोकेशन की बात कर लेते हैं, अगर हम लोकेशन की बात कर लेंगे अगर हम, तो कहाँ होती है भाई ये लोकेशन में, थ्रोट में होती है। थ्रोट, थ्रोट का मतलब क्या होता है भाई, गले में होती है भाई। अगर जाहिर सी बात है थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ पर थी, गले में थी, और ये इसी से अटैच है तो वो भी कहीं रहे वहीं रहेगी ना, एक ही जगह दोनों रहती है। क्या होती है लेकिन डिफरेंस क्या होता है, ये थायराइड ग्लैंड की चार ऐसे पैर होते हैं, उस पैर के नीचे ही ये लोकेटेड रहती है, मतलब पाई जाती है। यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई आपसे, यहाँ से जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पैरा थायराइड ग्लैंड किस जगह पाई जाती है, हमारे शरीर के किस ऑर्गन में पाई जाती है, किस पार्ट में पाई जाती है, तो आपका आंसर होना चाहिए गले में पाई जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा, पैरा थायराइड ग्लैंड किससे जुड़ी हुई होती है, तो आपका ऑप्शन, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए थायराइड ग्लैंड से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, टोटल फोर पेयर होती है, चार नहीं होती है, फोर पेयर्स मतलब टू पेयर्स होती है, फोर होती है टोटल, सॉरी मैंने रॉन्ग लिखा था, टू पेयर होती है और फोर टोटल होती है। ठीक, तो आप ये जान लीजिए भैया ऐसे ही होता है इसका सिस्टम, तो और कुछ इसमें है नहीं कि जो आपको ज़्यादा बताया जाए। ठीक, अब बात रही ये चीज़ तो हमने देख लिया भाई, इसकी साइज, लोकेशन और कहाँ रहती है। ठीक है, अब आती है बात, अगली बात आती है भाई, क्या काम होता है इसका, कौन सा हार्मोन इससे सिक्रीट होगा, ये सब चीज़ों के बारे में देखेंगे। ठीक है, जो बेसिक इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यही एक पूछा जाएगा। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे, अपना हार्मोन्स के बारे में, हार्मोन्स के बारे में आते हैं हम लोग, देखते हैं भाई कौन सा हार्मोन रिलीज करती है ये। ठीक है, हार्मोन्स, हार्मोन्स की बात देखें तो अगर भाई नाम से ही हम लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या नाम लिख दें इसका, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन, ये तो सिंपल है, नाम से ही हम जनरलाइज कर ले जाएंगे ना। पैराथायराइड हार्मोन कौन किस ग्रंथ से आती है, पैराथायराइड ग्रंथ से। एक नाम और दिया जाता है इसको, पैराथोरॉक्सिन, ये जो सबसे कॉमन है, ज़्यादा जो हमारा ट्रेडिशनल है, जब से ज़्यादा चलता है। ठीक है, एक नाम और होता है इसका, पैराथोरॉक्सिन नाम कहते हैं इसको। ठीक, अगेन इसका एक और नाम होता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में आपसे यही पूछा जाता है, जिसका नाम होता है क्या, कैलेप्सिन हार्मोन, कैलेप्सिन हार्मोन जो एग्जाम में हुआ है यही पूछा जाता है। स्टार में लगा देता हूँ भाई, पूछा जाएगा आपसे कैलेप्सिन हार्मोन्स कौन सी ग्रंथ रिलीज करती है, तो क्या आंसर देंगे आप लोग, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, और पूछ लिया जा सकता है, पैराथायराइड ग्लैंड निम्न में से कौन सा हार्मोन रिलीज कर दी जाएगी, आपके सामने चार विकल्प दे दिए जाएंगे, ऐसे दे दिया जाएगा भाई, FSH दिया जाएगा ए में, बी में दिया जाएगा आपको LH, सी में दिया जाएगा आपको GnRH और डी में आपको दिया जाएगा कैलेप्सिन। ठीक, ऐसे दिया जाएगा भाई कि कौन सा हार्मोन पैराथायराइड रिलीज करती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैलेप्सिन कहते हैं इसी को, इसी को पैराथायरेक्सिन कहते हैं और इसी को पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपसे एग्जाम बनाया जाएगा NTPC और CGL वाला, तो पैराथायराइड नाम नहीं देके यही दिया जाएगा, कैलेप्सिन नाम दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा भाई, एग्जामिनर हमेशा यही चाहता है कि बच्चे कन्फ्यूज हों और वो करेक्ट आंसर दें, तो आप बिल्कुल नोट कर लीजिए इस पॉइंट को और इस बात को लिख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कैलेप्सिन नामक हार्मोन्स कहाँ से सिक्रीट होता है, पैराथायराइड ग्लैंड्स के हैं करती है। अब आती है बात इसमें कि इसके वर्क क्या होते हैं, क्या काम करता है भाई ये कैलेप्सिन हार्मोन्स जो है, वर्क क्या करता है। ठीक है, सिक्रेशन तो होता है कैलेप्सिन हार्मोन्स का, लेकिन वर्क क्या काम करता है, तो अगर इसका फंक्शंस देख लें हम, फंक्शन का मतलब होता है कार्य, कार्य। तो पहला काम इसका आप लोग नोट करिए, पहला काम क्या करता है भाई ये, पहला काम ये करता है, यह जो है कैल्शियम, जो हमारे बॉडीज में कैल्शियम होता है, इट्स हेल्प टू ट्रांस
पोर्ट ऑफ कैल्शियम क्या काम करता भाई? यह ट्रांसपोर्ट करता है किसको? कैल्शियम को। अब मैंने कल की वीडियो में या लास्ट वाले टॉपिक पे हमने जब पढ़ाया था आपको, हमने बताया था कैल्शियम जो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पाया जाता है भाई। कैल्शियम, अगर कैल्शियम से पूछ लिया जाए तो हेयर था हमने बताया था आपको, ठीक है। सेकंड बताया था ब्लड, थर्ड बताया था हमने नेल, और एक बताया था भाई बोन, और कुछ छूटा है? हेयर था, ब्लड था, नेल था, बोन था। चलो इट्स एक्सेप्ट, अगर कुछ छूटा होगा तो आप लोग मैच करा लेंगे कल वाले, ठीक है। इतने पार्ट्स में कैल्शियम पाया जाता है। सपोज कर लीजिए ये हमारी क्या होती है भाई, ब्लड। एक हमारा ब्लड हो गया, ओके, और ये हमारी क्या हो गई, दूसरी जो होती है भाई बोन्स हो गई। ये बोन्स हो गई, ये ब्लड है, ये बोन्स हो गई, ठीक। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। अगर 5 ग्राम कैल्शियम इसमें है, ठीक है, और 5 ग्राम क्या है, यहाँ भी है कैल्शियम, ठीक। मान लीजिए अभी हमने पिछले वाले लेक्चर में क्या बताया था आपको, क्या बताया था भाई, अगर रिक्वायरमेंट हो जाती है किसको, हमारी बोन्स को क्या हो जा रही है, रिक्वायरमेंट हो जा रही है कैल्शियम की, रिक्वायरमेंट मतलब ज़रूरत पड़ रही है, ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। हमारी बोन्स को किसकी ज़रूरत पड़ रही है, कैल्शियम की, यानी कहने का मतलब ये हो रहा है सिंपल सा, हमारी बोन्स में क्या है, कैल्शियम की कमी आ रही है, ठीक है, शरीर में हमारे बैल बोन में कैल्शियम की कमी आ रही है। तो उस कैल्शियम को जो है कौन ले जाता है, कौन पहुँचाता है भाई, इस कैल्शियम को कौन ले जाता है, यही जो हमारा है कौन भैया, कैल्शियम नामक हार्मोन्स है, यही हमारे ब्लड से कैरी करता है और फाइनली कहाँ पहुँचा देता है, यहाँ, ठीक। चीज़ें क्लियर हुई, मैंने क्या बताया, अगर मान लीजिए, ठीक है, हमने क्या बताया भाई, मेरा कहने का मतलब है इट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट ऑफ कैल्शियम, यह जो है कैल्शियम के ट्रांसपोर्टन में हेल्प करता है, कैरी करने में हेल्प करता है। कैसे करता है, ब्लड में क्या होते हैं, हमारे मिनरल्स होते हैं, और ब्लड में अगर हमारे मिनरल्स होते हैं तो ब्लड में क्या होता है भाई, मिनरल्स होती है, तो मिनरल से ही क्या होता है, कैल्शियम का फॉर्मेशन भी जल्दी आप जान लीजिए। हमारी बोन्स में अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो कौन ले जाता है, यही जो है इसका काम करता रहता है। एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, इसी कारण से इस हार्मोन्स को क्या नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है इस हार्मोन्स को, एक नाम दिया जाता है इसको, इस वजह से उसको कहते हैं हम लोग काउंटर एक्ट हार्मोन, काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर का शब्द का मतलब समझ लीजिए, काउंटर का मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज का क्या है, जवाब देना, ना, किसी चीज का जवाब देना। जवाब कैसे दे रहा भाई, पिछले वाले लेक्चर में जब हमने थायराइड आपको पढ़ाया था तो वहां पर एक हार्मोन्स था जो क्या कर रहा था, बोन से ब्लड में ला रहा था, ठीक है, कैल्शियम को, और यही चीज ये हाँ रिवर्स कर रहा। तब जो जब जब काउंटर एक्ट हार्मोन्स, वे हार्मोन्स होते हैं जब, हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे, जब जब कोई हार्मोन्स किसी दूसरे, कोई हार्मोन्स, यहाँ हार्मोन्स भी लिखेंगे आप लोग, कोई हार्मोन्स, जगह नहीं थी मैंने यहाँ लिखा, किसी दूसरे हार्मोन्स, यहाँ तक दिख रहा होगा, हार्मोन्स के विपरीत, के विपरीत कार्य करता है, करता है, तो उसे क्या कहते हैं भाई, काउंटर एक्ट हार्मोन्स ना, द एक्शन ऑफ द एक्शन ऑफ रिवर्स विल रिएक्शन इज आल्सो नोन एज द काउंटर एक्ट हार्मोन्स। कौन सा है काउंटर एक्ट हार्मोन्स हमारे यहाँ, कैल्शियम जो है, कैल्शियम एक काउंटर एक्ट हार्मोन्स भी है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। दूसरा इसका जो पॉइंट होता है, यहाँ आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे स्टार में, इसको हम काउंटर एक्ट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। कैसे जानते हैं भाई, वही इसी वजह से जानते हैं
क्योंकि जो पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था हमने भाई पिछले वाले लेक्चर में, हमने थायराइड पढ़ाया था, उसमें एक हार्मोन्स था वो बोन्स से ब्लड में लाता था कैल्शियम, लेकिन यहाँ क्या हो रहा, उसका उल्टा हो रहा, ब्लड से बोन्स में जा रहा है कैल्शियम, तो यहाँ उसके जो है उसकी प्रतिक्रिया दे रहा, रिवर्स दे रहा, इसी को हमने काउंटर एक्ट हार्मोन्स किया जाए कहा। यहाँ से आपको दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा भी कैल्शियम हार्मोन्स का मेन काम क्या होता है, तो आप बताएंगे ट्रांसपोर्ट करता है कैल्शियम का। दूसरा पूछा जाएगा आपको काउंटर एक्ट हार्मोन्स कौन सा है, विकल्प आपको दे दिए जाएंगे, निम्न में से काउंटर एक्ट हार्मोन्स किसे जाना जाता है, तो आप बता देंगे काउंटर एक्ट हार्मोन्स कौन सा हमारा है, कैल्शियम को हम काउंटर एक्ट हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। चीज़ें क्लियर हुई, चलिए ठीक है। आइए, हमने यहाँ तक इसके बारे में बेसिकली जान लिया। इससे एक ही हार्मोन सिक्रीट होता है पैराथायराइड ग्लैंड से, जिसको 3 नाम दिया जाता है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन या कैल्शियम हार्मोन। एक ही हार्मोन्स होता है, उसी के 3 नाम होते हैं। काम क्या होता है, 2 काम होता है, कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करना, और इसका दूसरा नाम, इसको इसी वजह से क्या नाम देते हैं हम लोग भाई, काउंटर एक्ट हार्मोन्स नाम देते हैं। ठीक है, यही इसकी बेसिक जो बेसिक जानकारी थी वो इसके बारे में इतनी थी। अब आते हैं हम लोग इसके डिजीज पे, अगर इसकी हाइपर या हाइपोसिक्रेशन हो जाएगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, आ जाइए आप लोग। चलिए, क्या बताया मैंने भाई, हाइपो या हाइपर सिक्रेशन, पैराथायराइड ग्लैंड है, हाइपर। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। चलिए, दो चीज हैं, अगर ये कम सिक्रीट हुआ तो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा सिक्रीट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिजीज। बेसिकली अगर इनके कम ज़्यादा से सिक्रीट होने वाली चीज़ होती हैं तो दो टाइप्स की डिजीजेज होता है, डिजीज 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 को क्या कहते हैं भाई, बीमारियाँ। कौन कौन सी बीमारियाँ होंगी, आइए देखते हैं। अगर ये ज़्यादा सिक्रीट हुआ तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, टेंटनी। हिंदी मीडियम वाले देखिएगा भाई, TENTANY, टेंटनी। टेंटनी नामक एक डिजीज हो जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको जरूर लिखिएगा भाई, टेंटनी। किस हार्मोन्स की कमी से टेंटनी नामक बीमारी हो जाती है, तो आपको याद होना चाहिए कैल्शियम, पैराथायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से हमें टेंटनी नामक बीमारी हो जाती है। टेंटनी में होता क्या है, ये चीज़ें जान लीजिए आप। टेंटनी में क्या हो जाता है भाई, हमारी जो मसल्स हो जाती हैं वो लूज होना शुरू हो जाती है, मतलब ढीली पड़ने लगती हैं। ठीक है, क्या हो जाती हैं, मसल्स जो हो जाती हैं क्या हो जाती हैं, मसल्स और लूज, मतलब क्या होती है भाई, मांसपेशियां ढीली होती हैं। मांसपेशियां ढीली हो जाने लगे, कहने का मतलब क्या होता, अगर हमारे अंदर ये कम सिक्रीट हो रहा तो मांसपेशियां जो हमारी क्या हो जाती हैं, ढीली हो जाती हैं। सेकंड अगर इसका देख ले हम, दूसरा पॉइंट अगर इसका इंपॉर्टेंट है, क्या होता भाई, हमारे बॉडी में क्या होता है, क्या होता हमारे बॉडी में, विटामिन डी का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, क्या हो जाता है, लैक्स ऑफ विटामिन डी। कहने का मतलब क्या है, विटामिन डी की कमी हो जाती है। कैसे कमी हो जाती है, अगर पूछा जाएगा भाई विटामिन डी किस में पाई जाती है, जो जनरली आप लोगों को ये भ्रम है कि विटामिन डी जो है सन से मिलती है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, विटामिन डी जो है हमारी स्किन के नीचे जो फैट होती है, फैट होता है भाई, फैट हमारी स्किन के नीचे फैट पाई जाती है। जब विटामिन डी कैसे बनता है भाई, सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में, स्वयं सिंथेसाइज होता है। कहने का मतलब जब हम सन में जाते हैं तो क्या होता है, विद इन द हेल्प ऑफ सन
सन की जो रेज है उसकी हेल्प से हमारे बॉडीज में ऑटोमेटिकली क्या है विटामिन डी का सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है, किससे, फैट से। ये चीज़ आप जान लीजिए, ऐसा कभी भ्रम मत पालिएगा कि विटामिन डी हमें सन से मिलता है। इसके लिए अगर आपको क्या लेना चाहिए, अंडे खूब खाइए, दूध खाइए, ठीक है, और केले खाइए, तो ये सब अच्छे स्रोत होते हैं विटामिन डी के। और एक और होता भाई पपीता, ठीक। तो क्या हो जाता भाई, अगर हार्मोन्स, इस हार्मोन्स का सिक्रेशन कम होने लगेगा तो हमारे बॉडी में विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन नहीं होना है। यानी कहने का मतलब क्या होता है, जो यूपीपी वाले होंगे और भाई जो ग्रुप डी वाले, उनके लिए तो काफ़ी है इतना। टेंट्रिन नामक बीमारी किसके, किस हार्मोन्स की कमी से होती है, तो आपका ऑप्शन होना चाहिए कैलेप्सिन या पैराथायरेक्सिन। पपीता में सभी विटामिन होता है, पपीता में अगर आप देख लेंगे तो पपीता में मोस्टली जो है कुछ विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए होता है नहीं सब नहीं हो सकती है, जैसे आप कुछ विटामिन, जैसे विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी ऐसा आप पपीता में कैसे ढके ले जाएंगे भाई मेरे, विटामिन सी कहाँ पाया जाएगा, जो भी हमारी कैसी चीज़ें होंगी, खट्टी चीज़, खट्टी का मतलब सौर होंगी, वही आएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है विटामिन। हाँ, दूध ही एक ऐसा हमारे पास कॉमन चीज़ होता है दूध, जिसमें हमें लगता है ऑल ऑफ सभी विटामिन। अभी मैं आपको एक विटामिन वाला लेक्चर लेकर आऊँगा जिसमें आपको सारी विटामिन के बारे में बता दूंगा, ठीक है, जब हमारा न्यूट्रिशन वाला टॉपिक आएगा, साइटोलॉजी में ही वो पार्ट जुड़ा हुआ है न्यूट्रिशन, जब हमारा आएगा तो हम वहाँ सब चीज़ों को क्लियर कर देंगे। अभी हम जस्ट जो टॉपिक चल रहा हमारा उस पे आते हैं, ठीक है। हमने क्या बताया भाई, ये दो चीज़ होता। अब अगला पॉइंट इसमें जो रिलेट कर रहा हमारा, ज़्यादा सिक्रेशन होना, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है ज़्यादा सिक्रेशन से, और क्वेश्चन यहाँ से पूछना श्योर है, लिख लीजिए आप इसको 100%, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 100% पूछा जाएगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 100% पहले से ही, क्योंकि पूछा जाएगा क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा, ज़्यादा सिक्रेशन से क्या होता, ऑस्टियोपोरेसिस क्या होता भाई, ऑस्टियोपोरेसिस पूछा जाएगा आपसे, ऑस्टियोपोरेसिस नामक डिजीज किस हार्मोन्स के सिक्रेशन से होती है, ज़्यादा सिक्रेशन से, एक्सेस अमाउंट ऑफ इट्स सिक्रेट ऑफ एक्सेस अमाउंट दैट कॉजेज ऑफ डिजीज इज नोन एज द ऑस्टियोपोरेसिस। इंग्लिश मीडियम वाले, अगर इसका ज़्यादा सिक्रेशन हो जाता, हिंदी मीडियम वाले, जब हमारे शरीर में कैलेप्सिन या पैराथायरोक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट होता है तो ऑस्टियोपोरेसिस नामक बीमारी हो जाती है। ध्यान से सुनेंगे, क्या होती है ऑस्टियोपोरेसिस, ऑस्टियो का मतलब ही होता है भाई, ऑस्टियो का मतलब विच वन ऑफ द रिलेटेड ऑफ आवर बोन्स, ऑस्टियो का मतलब ही होता है जो हमारे किससे रिलेटेड होता भाई, हड्डियों से, हड्डियों, भाई हिंदी तो मैं नहीं जानता, चलो हिंदी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, बोन समझ लीजिएगा, बोन मतलब हड्डियाँ, ठीक है, किससे रिलेटेड हो रहा, ऑस्टियो का मतलब होता जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसके, बोन्स के, उन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजिस्ट, ठीक है। इसीलिए पोरेसिस का मतलब होता है, पोरेसिस का मतलब होता है ऐसे ऐसे टाइप का कोई हमारा बोन्स है, ऑर्गन है, उसमें क्या हो जा रहा है, ऐसे 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 करके छोटे 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 क्या हो जा रहे, होल हो जा रहा है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, उसमें होल्स हो जा रहे हैं, मतलब होल्स हो जा रहे हैं, मतलब होल्स, होल्स का मतलब क्या होता है भाई, छेद हो जाना ना, होल्स हो जा रहे हैं, तो यही होता है हमारी बोन्स में होल्स हो जाना, हमारी बोन्स में छेद हो जाना क्या कहलाता, ऑस्टियोपोरेसिस कहलाता। कैसे होता, जब ये पैराथायरेक्सिन हार्मोन्स हमारे शरीर में ज़्यादा सिक्रीट होने लगता है तब, ठीक है, ज़्यादा सिक्रीट होने लगने का क्या मतलब होता भाई, कैसे हो जाता, हमारी कोई बोन्स हो रही है, ये बोन्स हमारी है कोई, ये मान लो हमारी कोई बोन्स है, इसमें क्या हो रहा भाई, कैल्शियम ज़्यादा बनने लगा, ठीक है, कैल्शियम जो है ज़्यादा हो गया, देन यहाँ पर हमारा कोई टारगेट जो है क्या, ब्लड है, ये हमारी कोई ब्लड और ब्लड सेल है, ये ब्लड है, ये बोन्स है एंड ब्लड है, ठीक है। तब क्या होता भाई, इसमें से हमने क्या सीखा, अभी यहाँ हमने देखा कि कैलेप्सिन का काम ही होता है, ये क्या करता है, हमारे जो यहाँ से यहाँ पहुँचाता है, किसको पहुँचाता है, कैल्शियम को, ठीक है, लेकिन जब इसमें कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से ये निकल जाता है, और निकलने के बाद धीरे 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 ब्लड में घुलने लगता है, घुलने के बाद यही जो है हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, पिछले लेक्चर में हमने बताया था ब्लड का प्यूरिफिकेशन किस पार्ट में होता है, प्यूरिफिकेशन दो चीज़ें होती भाई, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड कहाँ होता है, हमारे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड किडनी में, किडनी में हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, किसकी मदद से, विद इन द हेल्प ऑफ, किसके मदद से, क्या होता है हमारी किडनी में, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन,
ठीक है। नेफ्रॉन क्या होती है भाई, एक जालीनुमा जैसे चाय वाली छननी होती है जिसमें आप लोग चाय छानते हैं, वैसे मान लो हमारी बॉडी में क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, ठीक है। वहाँ पर हमारा ब्लड जो है प्योरीफाइड होने के लिए जाता है, क्या होता है जब इसमें क्या मिल जाएगा, ढेर सारा कैल्शियम मिल जाएगा, और ये कैल्शियम यहाँ से ब्लड को ऐसे आएगा धीरे धीरे, ये हमारा कोई नेफ्रॉन है मान लो, ऐसे ये जालीनुमा हमारा नेफ्रॉन बन गया। जब मैं पढ़ाऊँगा आपको किडनी तो डिटेल बताऊँगा, यहीं पर आके धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये स्टोर होगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा, धीरे धीरे आके एक्यूमुलेट हो जाएगा, जमने लगेगा, जमने लगेगा, यहाँ पर जम जाएगा। जमने के बाद क्या हो जाएगा, जो उसमें पोरस होता है उसको ब्लॉक कर देगा, पूरी तरह से जाम कर देगा। इसके बाद क्या होता, जब हम क्या खाते हैं, टोमेटोज खाएंगे या चिलीज खाएंगे, टोमेटो और चिली के जो सीड्स होते हैं ऐसे खतरनाक चीज़ होते हैं जिनका डाइजेशन पॉसिबल हो इम्पॉसिबल होता है। कहने का मतलब क्या होता, हमारे बॉडीज़ में कोई ऐसा एंजाइम नहीं होता जो टोमेटो और चिली के सीड को डाइजेस्ट कर दे, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और टोमेटो और चिली में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, ये पॉइंट आप नोट करिए, ऑक्जैलिक एसिड, ऑक्जैलिक एसिड कहाँ पाया जाता भाई, टोमेटो और पोटैटो में, टोमेटो और चिली में क्या पाया जाता है, ऑक्जैलिक एसिड। और यही ऑक्जैलिक एसिड जो है यही ऑक्जेलिटिन की सीड में पाया जाता है, देन यही धीरे 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 यहाँ आता है और एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जम जाता है किनारे किनारे, और फाइनली जो हो जाता है ये किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोन के रूप में हो जाता है। स्टोन का मतलब पथरी जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है, क्या कहते हैं भाई, गुर्दे की पथरी, गुर्दे की पथरी। क्या किस फॉर्म में बनती है गुर्दे की पथरी, ऑक्जिलेट फॉर्म में बन जाती है, ऑक्जिलेट फॉर्म में बन जाती है। तो यही जो ऑक्जिलेट फॉर्म बन जाता है हमारा, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोन्स कहते हैं, स्टोन यानी गुर्दे की पथरी। समझ में आई चीज़ें यहाँ तक, चलिए एक बार मैं फटाफट रिकैप करूँगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम पढ़ रहे थे डिजीजेज के बारे में, डिजीजेज अगर इसमें कम सिक्रीशन होगा तो हमारे अंदर एक डिजीज होगी जिसको हम टेंटनी के नाम से जानते हैं। टेंटनी में क्या होती है, हमारी मसल्स जनरली क्या हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था, क्या बताया भाई, विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन हमारी त्वचा के अंदर नहीं होगा, दो पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अगला हमने बताया इसके ज़्यादा सिक्रेशन से ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जब हमारे शरीर में पैराथोरेक्सिन हार्मोन ज़्यादा सिक्रीट होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी बोन्स में क्या हो जाएगा, होल्स बन जाएगा। उस होल्स के बनने का वजह क्या होता है, हमारी बोन्स में क्या होता है, कैल्शियम होता है, और कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, क्लैप्सिन नामक हार्मोन्स पैक करता है। क्लैप्सिन नामक हार्मोन्स कहाँ से निकलता है, पैराथायराइड ग्लैंड से निकलता, कहाँ से कहाँ ले जाता भाई, ये ब्लड्स में ले जाता। अब ब्लड का प्योरीफिकेशन कहाँ होता है, हमारी एक ऑर्गन होता है जिसको हम किडनी कहते हैं, किडनी में जो है नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन नामक ऑर्गन होता है, सिस्टम होता है जो इसको प्योरीफाइड करता है। नेफ्रॉन में क्या चीज़ें पाई जाती हैं भाई, जाली नुमा क्या है, कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। जब ये कैल्शियम ज़्यादा हो जाएगा तो धीरे धीरे ये कैल्शियम जाके यहाँ स्टोर हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा। फाइनली जब हम क्या होता है भाई, अपने फूड न्यूट्रिएंट्स में क्या खा लेते हैं, टोमेटो और चिली खा लेते हैं, तो चिली और टोमेटो के बीज यानी सीड ऐसे खतरनाक चीज़ होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते, ये हमारे ब्लड के थ्रू क्या है, कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँच जाएंगे, और हमारे टोमेटोज और चिली में क्या हो जाए, ऑक्जैलिक एसिड होता है। फाइनली ये सारी चीज़ें यहीं पर स्टोर शुरू होने हो जाती हैं ऑक्जिलेट के फॉर्म में, और यही क्या हो जाता है, फाइनली हमारा स्टोन बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, पथरी कहते हैं। चीज़ें क्लियर हुई, तो यही हमारा जो है पैराथायराइड, ओवरऑल पैराथायराइड ग्लैंड का टॉपिक था, ठीक, दैट्स आर फिनिश, यह यहीं पर ख़त्म होता है। इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और नहीं आया होगा तो वीडियो आप दो बार देख लीजिएगा, तीन बार देखिएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और वन बाई वन सारे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को खूब सारा शेयर कर दीजिएगा, और अच्छा लगा होगा टॉपिक, कोई चीज़ अच्छी लगी होगी कमेंट जरूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।